हेलो दोस्तों, मैं रिधिश आपका वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल AR किचन गार्डनिंग में। दोस्तों, मेरी क्यारी में जो भी खरपतवार उगाई है या तो छोटे छोटे नीम के पौधे उगाए हैं, उसे मैं आज निकाल रहा था तो सोचा इसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये फ्लावर का पौधा है, लेकिन इस फ्लावर में कोई स्मेल भी नहीं है। या तो ये मान के चलिए कि साल में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग होती है, तो इसे मैं निकाल रहा हूँ। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने कैसे निकाल दिया है। पहले आधा काट दिया, फिर अब उसके जड़ों को निकालने के लिए उसके आजू बाजू में थोड़ा गड्ढा बना के उसकी जड़ों को कमज़ोर करके खींच लूँगा तो निकल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है। ये देखिए, वैसे तो जब कोई पेड़ निकालते हैं या तो फिर कोई भी पेड़ बोना है ज़मीन में, तो वहाँ गड्ढा करके उसे थोड़े दिन सूखने देना चाहिए ताकि फंगस और वो सब निकल जाए। लेकिन मानसून का सीज़न है, धूप है नहीं। अगर ये सूखा नहीं और बारिश आ गई तो मैं लगा नहीं पाऊँगा। ये पोमेग्रेनेट है दोस्तों, ये मैं उस गड्ढे में लगाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी बच्ची आज 4 साल की है। वो जब 2 साल की थी तो एक बार पीछे कुछ लगा रहा था, प्लांटिंग कर रहा था, तो पोमेग्रेनेट खाते आई मेरे पास। तो मैंने बोला कि इसमें 2-3 दाने छिड़क दे, तो उसमें से निकला था, इसलिए इसे मैं लगा रहा हूँ। ये गमले में से कैसे मैं निकालता हूँ वो आप देखिए। धीरे धीरे करके उसके ऊपर थोड़े से हाथ मारेंगे तो ये पूरा निकल आएगा। जब ये निकल जाता है तो उसके जो मिट्टी का लेयर होता है उसे थोड़ा अलग कर देना चाहिए। ये देखिए, मूंगफली का छिलका है जो मैंने डाला था। मुझे लगा ये डीकम्पोज हो जाएगा, 2 साल हुए ये डीकम्पोज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मूंगफली के छिलके आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं उसके रूट बाउल को अलग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पुराने गमले का ठीक रहा है जो मैंने रखा था ताकि मिट्टी होल में से बाहर ना निकल जाए। ये कुछ और प्लांट्स हैं मैं इसके साथ लगे थे, ये एक और ये शायद, ये 2 प्लांट हैं। ये मैं किसी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर दूँगा क्योंकि मुझे एक प्लांट की ज़रूरत है। अब इसे पूरा लेके मैं वो गड्ढे में रख दूंगा। ये देखिए, पूरा इसको मैं कैसे स्ट्रेट है या आड़ा टेढ़ा नहीं वो देख के फिर मिट्टी और ये पहले पत्ते डालूंगा। आप सोच रहे होगे ये लीव्स क्यों, ये पत्ते क्यों डाले हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। मैं जब भी कुछ प्लांटिंग करता हूँ तो उसमें पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं या तो फिर जो लकड़ी का बुरादा होता है ऐसा कुछ डालता ही हूँ, क्योंकि ये डिकम्पोज भी होते हैं, गर्मियों में पानी को भी सोख के रखते हैं तो पानी भी कम देना पड़ता है और मिट्टी एकदम ही भुरभुरी बना देते हैं, एकदम पोरस बन जाती है मिट्टी। आप मेरी मिट्टी देखोगे एकदम पोरस ही होगी दोस्तों। अब इन सारी पत्तों को और ये जो है उस पूरे गड्ढे को मैं मिट्टी से भर दूँगा अच्छी तरह से, और फिर उसे हल्के हाथों से प्रेस कर दूंगा। यह है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। गुजराती में इसे एवानो खोल बोलते हैं। हम जो सरसों खाते हैं उसे पीस के ऑयल निकाला जाता है, उसके बाद जो बचता है वो ये मस्टर्ड केक है जो कि जानवरों को खिलाने के काम आता है। दोस्तों, कार्बन और नाइट्रोजन के लिए हमने ड्राई लीव्स इसमें डाले हुए हैं, और फॉस्फोरस के लिए ये मस्टर्ड केक डाल रहे हैं। सरसों की खली का लिक्विड बनाते हैं जो, वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। वो बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और इसे अब मैं प्रून कर रहा हूं दोस्तों, और इसके बाद पौधे को मैं बाइंड कर दूंगा किसी रस्सी से। चलिए इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। रस्सी से तो बाद में बांध ही लूँगा, लेकिन ये जो है इसे थोड़ा फास्ट प्रून कर रहा हूँ, उसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको।
अब इसे मैं पानी डाल देता हूँ दोस्तों। दोस्तों पहली बार जब आप किसी भी पौधे को या प्लांट को पानी देते हो तो इसे भरपूर पानी दे देना चाहिए, कि पानी ऊपर रहना चाहिए। पानी वैसे तो ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी मिट्टी जो आपने ऊपर डाली है वो सब गीली हो जानी चाहिए, पूरे पौधे को नहला देना चाहिए जब ये सब पहली बार करते हो तब। और फ्लावरिंग आता है उसके बाद थोड़ा पानी देना कम कर देना चाहिए, वरना फ्लावर झड़ जाते हैं और फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। पहले से ही मेरी एक हैबिट रही है दोस्तों कि जो भी पत्ते झड़ते हैं या तो फिर फूल झड़ते हैं वो सारे इकट्ठे करके मैं अपनी क्यारी में डाल देता हूँ, चाहे वो किसी भी पौधे के हो, क्योंकि वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं और एक फर्टिलाइज़र का काम देते हैं। और जब तक डिकम्पोज नहीं होते तब तक वो बेस्ट मल्चिंग का काम देते हैं, जो कि मिट्टी के लिए भी ज़रूरी है, आपको पानी कम देने की ज़रूरत पड़ती है जिससे। और ये पत्ते होते हैं वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो आपकी मिट्टी को एकदम भुरभुरा और पोरस बना देते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को ज़मीन में फैलने में हेल्प होती है। ये पूरा पेड़ लग चुका है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।